नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा फहराया गया राष्ट्रध्वज, मोहन भागवत इस कार्यक्रम में थे उपस्थित। सुधीर मुनगंटीवार ने दी प्रतिक्रिया, कहा कि वंदे मातरम का अर्थ है इस भूमि को नमन करना। और देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला देश का पहला शहर था झुमुर। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महल स्थित केंद्रीय कार्यालय में सुबह 8 बजे राष्ट्रध्वज फहराया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत एवं महानगर संघ चालक राजेश लोया इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा केंद्रीय कार्यालय में सुबह 8 बजे राष्ट्रध्वज फहराया गया, जिसके बाद डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा स्मृति मंदिर परिसर रेशिमबाग में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था। नागपुर महानगर सह संघचालक श्रीधर राव गाड़गे की उपस्थिति में सुबह 9 बजे ये कार्यक्रम हुआ। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव निमित्त नागपुर महानगर के घोष विभाग का पथ संचलन शाम 5 बजे हुआ। ये महल संघ कार्यालय से दारोडकर चौक, गांधी पुतला, गांधी बाग उद्यान, गोलीबार चौक, त्रिवेणी पथ चौक, लाल इमली चौक, भारत माता चौक, तीन नल चौक, नंगा पुतला चौक, भावसार चौक, चितारोल, बड़कस चौक से महल संघ कार्यालय में समापन किया गया। नागपुर मेट्रो के तहत सवारियों की संख्या में लगातार वृद्धि आज अपने चरम पर पहुंच गई है और कल यानी 15 अगस्त को मेट्रो ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 90,758 की रिकॉर्ड सवारी की। ये यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए महामेट्रो के सभी प्रयासों का परिणाम है। इससे पहले 26 जून 2022 को मेट्रो ट्रेन में रिकॉर्ड 66,248 यात्रियों ने यात्रा की थी। उल्लेखनीय है कि महामेट्रो नागपुर के यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गणतंत्र दिवस पर 56,406 यात्रियों ने यात्रा की थी। हालांकि 26 जनवरी 2021 को सवारियों की संख्या नियमित कार्य दिवसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से मेल खाती है। ये स्थिर और स्थिर विकास नागपुर के लोगों के अटूट सहयोग और स्नेह के कारण संभव हुआ है और इसके लिए महामेट्रो अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती है। एक बार शेष दो लाइनें कस्तूरचंद पार्क से ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन और सीताबर्डी इंटरचेंज से प्रजापति नगर मेट्रो स्टेशन चालू हो जाने पर महामेट्रो द्वारा 1,00,000 तक पहुंचाने वाला ये आंकड़ा आसानी से 1,50,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। महामेट्रो ने मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए फीडर सेवा, महाकार्ड और मोबाइल ऐप, ट्रेन के समय में वृद्धि आदि सहित कई सुविधाएं प्रदान की है। महामेट्रो इस रिकॉर्ड राइडरशिप को हासिल करने में सफल रही है। बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। कपिल नगर थाना अंतर्गत रेलवे में अधिकारी रहे एक युवक ने फेसबुक पर मिली युवती से दुष्कर्म किया। कपिल नगर पुलिस ने इस मामले में लड़के की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजस्थान में कार्यरत है। अक्टूबर 2021 में उसकी 25 साल की लड़की से फेसबुक पर मुलाकात हुई। उसने उसका मोबाइल नंबर लिया और उससे दोस्ती कर ली। वे 2-3 महीने से फेसबुक पर बात कर रहे थे। युवती एक अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी में कार्यरत है। दोनों की मुलाकात फरवरी में नागपुर में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। अप्रैल में आशीष सीधे अपने पिता के साथ लड़की के घर आया। उसने अपने माता पिता के साथ शादी की बातचीत की और सगे रिश्तेदारों की उपस्थिति में समारोह का समापन किया। फिर वो लड़की के घर आया, उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। हालांकि उसने ये कहकर मना कर दिया कि ये शादी का समय है, फिर भी आशीष ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने अपनी माँ से चर्चा की। हालांकि कुछ दिनों बाद वो फिर घर आया। उसने फिर से लड़की का यौन उत्पीड़न किया और अपने मोबाइल फोन में उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। उसके बाद वो उसे फोटो दिखाकर बार बार प्रताड़ित करता था। जब लड़की की माँ ने शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। लड़की ने कपिल नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। सुधीर मुनगंटीवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कुछ लोगों को नमन करने पर आपत्ति है तो वो लोकतंत्र है।
हम इनकी राय बदलने के लिए 26 जनवरी तक प्रचार करने जा रहे हैं। उनके मराठी गीतों में वंदे मातरम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। जो विरोध कर रहे हैं उनसे मैं संवाद करूंगा। मेरे विचार से महाराष्ट्र में किस पार्टी की राय गौण है, जो खाते शिवसेना के पास थे वो शिवसेना के पास ही है। 16 ऑगस्ट 1942 ला जी घोषणा झाली आंदोलनाची, भारत छोडो, क्विट इंडिया, चले जाओ, चंद्रपूर जिल्हा या देशातला असा जिल्हा होता की ज्या ठिकाणच्या स्वातंत्र्यवीरांनी युनियन जॅक खालती उतरून तिरंगा फडकवला, आणि तेव्हा बर्लिनच्या आकाशवाणीवरून घोषणा झाली की भारताचा हा भूभाग इंग्रजांच्या ताब्यातून मुक्त झाला। 3 दिवस तो भूभाग मुक्त होता। काही लोकांना नंतर फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, काही लोकांनी हातात तिरंगा घेऊन उठावर वंदे मातरम म्हणत युनियन जॅक खालती उतरवून छातीवर गोळ्या झेलल्यात। त्यांचं स्मरण करणं, त्यांचं नमन करणं, वंदन करणं आणि त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर देशाला पुढे नेण्याच्या दृष्टीने संकल्प करणं, यासाठी आजचा हा क्रांती दिवस, जगत चिमूर क्रांती दिवस म्हणून ओळखला जातो, त्यासाठी कार्यक्रमाला आम्ही जातो। व आपण जी वंदे मातरमची घोषणा केली त्याला काही लोकांनी विरोध दर्शवला, ठीक आहे। वंदे मातरम याचा अर्थच या भूमीचा नमन आहे, आणि नमन करण्यासाठी काही लोकांनी विरोध दर्शवला असेल तर लोकशाही आहे, त्यांचं मनपरिवर्तन करण्यासाठी, त्यांचं मतपरिवर्तन करण्यासाठी निश्चितपणे 26 जानेवारीपर्यंत आम्ही अभियान करणार आहोत। आणि या अभियानाच्या माध्यमातून ज्या लोकांना भारत भूमीला वंदन करताना अडचणी निर्माण होतात त्यांना आम्ही हा समजवण्याचा प्रयत्न करू। हॅलो शब्द हा 18व्या शतकामध्ये आला। या शब्दाचा खरा अर्थ आश्चर्य व्यक्त करणे असा होता। 1827 मध्ये हा शब्द आला आणि तो शब्द नंतर रूढ झाला। इंग्रजांची ती आठवण आपण ठेवली आहे, तर ती आठवण पुसून आपल्या मराठी गीतामध्ये अतिशय सुंदर वर्णन हे वंदे मातरमचं केलं आहे। वेद मंत्रा हून हा अम्मा वंद्य वंदे मातरम, हो, देवाच्या मुखातून निघालेल्या वेद मंत्रापेक्षा राष्ट्रभक्त देशभक्ताच्या ओठातून निघालेलं वंदे मातरम हे आम्हाला प्राणप्रिय आहे। जे विरोध करत असतील त्यांच्याशी संवाद करू, त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करू की वंदे मातरम हा काही जातीय, धर्मांध, राजकीय शब्द नाही, हा या देशाचा नमन आहे। या भावनेने आपल्याला या दृष्टीने याकडे बघायचं। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
आप सबका फिर से स्वागत है। गोंदिया जिला मध्य विक्रेता संघ द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर बाई गंगा भाई महिला अस्पताल में सोमवार 15 अगस्त को शाम 7 बजे अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिश्तेदारों सहायकों को भोजन तथा मिठाई वितरित की गई। अस्पताल में भर्ती महिला मरीजों को ब्रेड बिस्किट एवं फल वितरण किया गया और मुखबधिर विद्यालय में छात्र छात्राओं को टूथब्रश एवं पेस्ट भेंट किए गए। कामठी तालुका अंतर्गत आने वाली खैरी ग्राम पंचायत जिला परिषद स्कूल के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस स्पर्धा में लगभग 50 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया था, जिसमें 5 विद्यार्थियों को स्पर्धा के माध्यम से चुना गया, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ये आयोजन लेडीज सर्कल नागपुर की ओर से किया गया था। इस अवसर पर लेडीज सर्कल की अध्यक्षा चेयरपर्सन संध्या सिंघानिया, लेडीज सर्कल सदस्य सेहल साहेब सिंह अलग, साथ ही खैरी ग्राम पंचायत के सरपंच मोरेश्वर बंडू कापसे, जिला परिषद स्कूल मुख्याध्यापिका अलका बागरे, आशा वर्कर आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम पंचायत सदस्य, गाँव के नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों में बड़ा उत्साह नजर आया, तो बच्चों को प्रोत्साहित करने हेतु सभी बच्चों को कलर बॉक्स, ड्रॉइंग बुक, पेंसिल देकर प्रोत्साहित किया गया। तो नागपुर लेडीज सर्कल 50 एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा मेन एम रहता है बच्चों की शिक्षा, स्पेशली एम्पावर एजुकेशन टू एम्पावर। और इसके कारण, इसके सहित ऑल्सो 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो हमारी बहुत इच्छा थी कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट करें कि बच्चों में कंट्री की तरफ कुछ भावनाएं जगाएं, और कंपटीशन करने से बच्चों को भी और उत्साह मिले आगे बढ़ने का। हमारा टॉपिक मेन था इंडिपेंडेंस डे पे, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी फीलिंग्स है, वो उस पे वो पेपर पे उसको जाहिर करें। तो उस हिसाब से बच्चों ने बहुत सुंदर चीज़ें बनाई, रिलीजन को लेकर बनाई है, आर्म्ड फोर्सेस को लेकर बनाई है, फ्रीडम फाइटर्स को लेके बनाई है, तो बहुत ही बहुत सुंदर बच्चों ने बनाया है। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज शहीद भूमि चिमूर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ब्रिटिश शासन से मुक्त होने वाला देश का पहला शहर चिमूर था। महात्मा गांधी और राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज के विचारों के कारण चिमूर में एक क्रांति हुई। इस विद्रोह में कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रशेखर बावन के लिए मौजूद थे। गोंदिया जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से पूरे जिले में बाढ़ के हालात निर्माण हो गए हैं। नदी नाले जलाशय उफान पर है, बाढ़ से फसलें चौपट हो गई है। वहीं घरों एवं मवेशियों के कोठों में पानी घुसने से दीवारें क्षतिग्रस्त और टूट फूट गई है। बाढ़ स्थिति का जायजा लेने सांसद श्री प्रफुल्ल पटेल के प्रतिनिधि बनकर पूर्व विधायक श्री राजेंद्र जैन ने बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लिया। गोंदिया तहसील के काटी समीप कासा ग्राम व आसपास के क्षेत्र में पहुंचकर वर्तमान हालातों का जायजा व बाढ़ से पीड़ित ग्रामीणों व किसानों की आपबीती सुनी। इस दौरान देखा गया कि अनेक गांवों का वैनगंगा व बाघ नदी में बाढ़ आने से संपर्क टूट गया है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है, मकान क्षतिग्रस्त व मवेशियों के कोठे ढह गए हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने तत्काल स्थिति का संज्ञान लेकर बाढ़ पीड़ित परिवारों को मदद एवं सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी गोंदिया से संपर्क कर प्रशासन से हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। इस दौरान उपस्थित उपविभागीय अधिकारी प्रवणी पटेल व गोंदिया ग्रामीण के तहसीलदार खंडाते से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के परिवारों को हर संभव सहायता व सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मांग की। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।